सत्र में गुरुवार को विरोधी दल की ओर से सत्ता पक्ष के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय विरोधी पक्ष नेता अजीत पवार, विधायक रोहित पवार, विधायक नितिन राउत उपस्थित थे। प्रदर्शन के दौरान विरोधी दल की ओर से 50 खोखे, माजले, बोके के नारे भी लगाए जा रहे थे। खोखे और बोके के साथ ही विरोधी दल की ओर से भव्य प्रदर्शन भी किया गया। पूरे महाराष्ट्र को क्या देश को पता हुआ है, खोके 50 खोके एकदम ओके, और मराठी में बोके कि हिंदी भाषियों को मालूम होगा कि 50 खोके, और ये बोके जो है जिन्होंने गद्दारी की है शिवसेना में से, इनको सत्ता की, इनमें एक उर्मी निर्माण हुई है, मस्ती निर्माण हुई है, ये मस्ती भी बंद करने की जरूरत है। कोई मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई आमदार रिवॉल्वर निकाल रहा है, कोई आमदार धमकी दे रहा है, कोई विधायक धमकी दे रहा है, कोई मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, भूखंड खा रहा है, और ये मस्ती सत्ता की इनके दिल में पैदा हुई है, ये पैदा हुई है खोखो के वजह से। इसलिए हमने आज प्रतीकात्मक खोखो का आंदोलन यहाँ किया है। विदर्भ के विषय पे हमने आज सभागृह में जो बात रखी, विदर्भ का अनुशेष बड़ी बड़े मात्रा में आज भी है। विदर्भ के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने नवंबर 2014 में विदर्भ के लिए 41,500 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था। इस पैकेज में जो बातें कही थी आज भी फुलफिल कंप्लीट हुई नहीं है। सिर्फ विदर्भ के नाम का राजनीति की जाती है। विदर्भ में सिंचन हो, उद्योग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पूरा अनुशेष बाकी है। अनएम्प्लॉयमेंट, विदर्भ का जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति महाराष्ट्र की देखी जाए तो सिर्फ 5% 6% रोजगार महाराष्ट्र में विदर्भ के बच्चों को मिला है। ये भी बढ़ने की जरूरत है। सरकार सिर्फ घोषणा करती है, काम नहीं करती, ये भूमिका हमने रखी है। थैंक यू।